दवाई, विश्वरप्पा की क्या है दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, मर गया कुत्ता, हाय हाय, मर गया कुत्ता, हाय हाय। के बाप की भी औकात नहीं है कि वो तिरंगे को वो बदलने की बात, वो कह रहे हैं कि बदल देंगे, आप क्या है उसकी औकात, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, उसके बाप की औकात नहीं है कि इस तिरंगे को हाथ लगा सके, स्टेटमेंट पहुंचा दो उस तक, वो कह रहा बदलेंगे, हम कह रहे हैं उसके बाप की औकात नहीं है, तिरंगे को बदलना की बात तो दूर है, तिरंगे के पास भी पहुंचने की उसकी औकात नहीं है। राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा अगर आप दायर नहीं करते हो तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि आरएसएस और भाजपा के मन में तिरंगे के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इस देश की जनता जो एससी एसटी ओबीसी मेजॉरिटी है, जो इस देश के बहुमत लोग हैं, अब इन्हीं को खदेड़ने वाले हैं इस देश की धरती से। इनकी औकात नहीं है, तिरंगा को छोड़ो उसके आसपास भी फटकने की इनकी औकात नहीं है। इन्होंने कश्मीर फाइल से लेकर के अभी तक पूरे घोड़े खोल लिए देश में दंगे कराने के, लेकिन नहीं हुए कि उसी संविधान को, उसी तिरंगे को तोड़ेगा, खत्म करेगा। न्यायपालिका है, और न्यायपालिका भी अगर ये फेल हो जाएगी तो इस देश में जनता जनार्दन है, जनता आवाम से बड़ी शक्ति दुनिया के अंदर कोई नहीं होती है, और हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से फिर इन्हीं को बदल देंगे, ये क्या झंडे को बदलेंगे, हम इन्हीं मनुवादियों को और इनकी सरकार को बदलेंगे। हम यहाँ पर खड़े हैं इसीलिए जंतर मंतर पे तमाम लोग कि हम भी 2024 की तैयारी में हैं कि अब की बार इन मनुवादियों को उखाड़ फेंकेंगे और जहाँ से आए, जिस परसिया से आए, इनको वहीं वापस पहुँचा के। ये एकदम राजद्रोह बनता है, तिरंगे झंडे का अपमान है, देश का अपमान है, ये देशद्रोह है। इतना बड़ा देश के साथ गद्दारी और साजिश करने वाला ये समाज है, ये दल है, ये पार्टी है। नमस्कार, मैं हूँ देवी, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। कर्नाटक के विधायक का जिस तरीके से बयान आया है कि ईश्वरप्पा जी का, कि धीरे धीरे जो है देश का जो तिरंगा है वो बदल दिया जाएगा, संविधान भी बदला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीडीए के मुखिया अशोक अज्ञानी साहब, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी संविधान चालीसा के नाम पर। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक दौर आया संविधान चालीसा का, जहां की तमाम दलितों ने पुरजोर से समर्थन किया और खूब वायरल हुई। मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं डीडीए के। सर, क्या देख रहे हो ईश्वरप्पा का बयान कि संविधान को भी बदलेंगे और तिरंगे को भी बदलेंगे, क्या आपका स्टैंड है सर इस पे? देखिए, ये बहुत निंदनीय स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल संविधान विरोधी और देश विरोधी ये स्टेटमेंट है। एक विधायक जो एक जिम्मेदार पद पर है, जिसको जनता ने चुन के भेजा था, इसके लिए भेजा था कि वो उनकी आवाज़ बन करके उनकी रोजगार की बात, उनकी दुख तकलीफों की बात सदन में रखेगा, विधानसभा में उनके लिए कानून, उनके अधिकार के लिए कानून संविधान के सम्मत बनाने की कोशिश करेगा। वो उल्टा उस संविधान को तोड़ने की बात कर रहा है, उस तिरंगे को अपमानित करने की बात कर रहा है, जिसको कि लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दे करके उसको लगाया, आज़ाद करवाया और तिरंगे को अपने खून से सींचा। तो ये निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात, उसके बाप की भी औकात नहीं है कि वो तिरंगे को वो बदलने की बात, वो कह रहे हैं कि बदल देंगे, आप क्या है उसकी औकात, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, उसके बाप की औकात नहीं है कि इस तिरंगे को हाथ लगा सके, स्टेटमेंट पहुंचा दो उस तक, वो कह रहा बदलेंगे, हम कह रहे हैं उसके बाप की औकात नहीं है, तिरंगे को बदलना की बात तो दूर है, तिरंगे के पास भी पहुंचने की उसकी औकात नहीं है। वो कह रहे संविधान भी बदलेंगे, आपका संविधान चालीसा फ्लॉप हो गया सर। हमारा संविधान चालीसा कभी फ्लॉप नहीं हो सकता, वो जो आज विधायक है उसी संविधान के वजह से है, अगर संविधान नहीं होता, आपने शायद देखिए, भाजपा का, भाजपा भी संविधान के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी संविधान के अंदर जो निर्वाचन, देखिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत का, जो निर्वाचन मंडल है उसी के अधीन उसकी बीजेपी भी, इनकी ये रजिस्टर्ड है। और दूसरी बात, ये हम इनके ऊपर केस भी डालेंगे कि इन्होंने जो संविधान दिया अपनी पार्टी का, इन्होंने जो अपनी पार्टी का संविधान दिया है, वहां पर अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराते समय भारतीय जनता पार्टी में उसने लिखा है कि हम देश के संविधान को मानेंगे, हम इसके जो लिखे हुए सारे धर्मों को एक बराबर मानेंगे, सारे नागरिकों को एक बराबर मानेंगे। अब ये हिंदू मुसलमान और ये सब मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं, ये तिरंगे को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो इसे, इनको ही हम खदेड़ देंगे। इस देश की जनता जो एससी एसटी ओबीसी मेजॉरिटी है, जो इस देश के बहुमत लोग हैं, अब इन्हीं को खदेड़ने वाले हैं इस देश की धरती से। इनकी औकात नहीं है, तिरंगा को छोड़ो उसके आसपास भी फटकने की इनकी औकात नहीं है। तो क्या सर, दलितों ने ठेका ले रखा है क्या संविधान बचाने का? ठेका तो ले रखा है, क्योंकि इसलिए ठेका ले रखा है, यस, इसलिए बाकी समुदाय ने भी ले रखा है। जो चंद लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं, देखिए इसमें जाति धर्म नहीं है, जो मनुवाद को मानते हैं, जो समझते हैं कि इस देश के शूद्र गवार, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, मतलब इस देश के मजदूर, एससी एसटी ओबीसी और महिलाएं, उनको अपना गुलाम समझते थे, इस संविधान के आने के बाद वो आजाद हुए, उनको समानता का अधिकार मिला, न्याय मिला, उनको
वगैरह बंधुता मिली, उनको सारे अधिकार मिले, तो अब इनको तकलीफ हो रही है। जो उस विचार के हैं मनुवाद के, उन लोगों का ये तकलीफ है कि इनके जो अधिकार हैं, इनको बराबरी के अधिकार से हटा के सारा कुछ फिर से वही हो जाए, चंद लोग इसके मुखिया बन जाए और सारे लोग उनके नौकर रहे, तो उनको तकलीफ है। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है और हमने इसलिए टेका ले रखा है क्योंकि इस संविधान के आने से 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ तभी हमें पढ़ने की इजाजत मिली, तभी हमें बराबर का न्याय मिला, तभी हमें इस देश का भारत का नागरिक माना गया, तभी हमने बढ़िया बढ़िया कपड़े मिले, पीने के पानी की इजाजत मिली, यहाँ तक कि इस देश के गंगा जल पीने और गंगा में डुबकी लगाने की भी हमें तभी इजाजत मिली जब ये संविधान लागू हुआ। इसलिए हम इस देश के संविधान को अपने खून की आखिरी बूंद तक भी इसकी रक्षा करेंगे और इसको किसी भी हालत में, इनकी औकात क्या है, ये चंद मनुवादी इसको करेंगे। हम 31 तारीख से फिर दोबारा 31 जुलाई से और 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस तक हम पूरी दिल्ली में और NCR में हम संविधान बचाओ मुहिम फिर से शुरू कर रहे हैं। और ये जितने मर्जी देखिए, करने वाला बोलता नहीं है, इनको पता है इनकी औकात नहीं है। इन्होंने कश्मीर फाइल से लेकर के अभी तक पूरे घोड़े खोल लिए देश में दंगे कराने के, लेकिन नहीं हुए क्योंकि आज समझदार लोग हैं, SC ST और OBC सब अब एक मिशन से जुड़े हैं, माइनॉरिटीज भी समझदार हैं, संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चलो इनको भड़का दें, ये दे करके स्टेटमेंट दे करके, एक विधायक स्टेटमेंट दे रहा है, अभी हम उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे क्योंकि वो विधायक होके भारत के संविधान के तहत वोट लेकर के, चुनाव लड़ करके और डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पर पहुंचा और वो कह रहा है कि उसी संविधान को, उसी तिरंगे को तोड़ेगा, खत्म करेगा और दूसरा झंडा लगाएगा। देशद्रोह का केस वैसे तो इन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ साजिश करने की, हम उसके खिलाफ, हम 2-3 दिन में हम पिटीशन तैयार कर रहे हैं, केस दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ। लेकिन वहां BJP की सरकार है, लगता है कि केस दर्ज करने के बाद कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेंगे, ये नहीं करेंगे, कोर्ट करेंगे। देखिए बाबा साहब ऐसा उस संविधान का मकड़ जाल बना के गए कि इन मनुवादियों को समझ ही नहीं आ रहा है। अभी जिस तरीके से प्रोफेसर रतनलाल जी को इन्होंने झूठे केस में, एक गलत केस में इन्होंने पकड़ा और कोर्ट ने जमानत दे दी ना, छोड़ा ना, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको बहुत सारी उस पे मिले, जो कुतुब मीनार में गए उनको बहुत गालियां, उन्होंने बहुत धमकाया सुप्रीम कोर्ट ने, इनको बहुत लानत मलानत करी। तो एक सिस्टम है, 4 खंभों पे किया हुआ है, तो न्यायपालिका भी है ना इस देश में। अगर ये नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मिसयूज कर रहे हैं ये, अभी जिस किसी भी तरह को ED का नोटिस दे देते हैं, CBI का दे देते हैं, दिल्ली पुलिस को कह देते हैं फर्जी केस बनाओ, ये जिस तरह से सिस्टम को और इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका भी अगर ये फेल हो जाएगी तो इस देश में जनता जनार्दन है, जनता आवाम से बड़ी शक्ति दुनिया के अंदर कोई नहीं होती है, और हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से फिर इन्हीं को बदल देंगे, ये एजेंडे को बदलेंगे, हम इन्हीं मनुवादियों को और इनकी सरकार को बदलेंगे। 2024 का माहौल तैयार किया जा रहा है? नहीं, वो तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी सड़क पे यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं ना, तो इसीलिए खड़े हैं ना, हमें भी चिंता है 2024 में हम भी बदलेंगे और तुम भी कोशिश करो बदलने की, हम तुम्हें बदलेंगे। तुम संविधान को और संविधान के झंडे को, तिरंगे को बदलने की कोशिश करोगे, हम तुम्हें बदलेंगे। ये अब हम यहाँ पर खड़े हैं इसीलिए जंतर मंतर पे तमाम लोग, कि हम भी 2024 की तैयारी में है कि अब की बार इन मनुवादियों को उखाड़ फेंकेंगे और जहाँ से आए, जिस परसिया से आए, इनको वहीं वापस पहुँचा के आएंगे। क्या लग रहा है कसाना जी, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये कोई नया काम नहीं है, संविधान का देश की आज़ादी के बाद भी इन्होंने विरोध किया था। तिरंगा झंडा तो RSS ने 2002 के बाद लगाया है अपने मुख्यालय पर, तो इनके तो पहले से ही देश विरोधी रहे हैं, और देश की आज़ादी के लिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? इन लोगों ने देश के खिलाफ काम किया, सच्चाई में आज ये नकली राष्ट्र भक्ति की जो नारा दे रहे हैं, सच्चाई में ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभी तक दिक्कत ये रही है कि इनके पास जो बहुत बड़ा एक जो नेशनल मीडिया इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, और इस देश के अंदर जो पूरी व्यवस्था पर जो काबिज है ये लोग, क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन अब जो हमें ये मीडिया मिला है, सोशल मीडिया मिला है, इसके माध्यम से हमारी आवाज़ जो जनता तक पहुंच रही है और जनता समझदार होती जा रही है। जो ये विधायक ने इस तरह का बयान दिया है, ये एकदम राजद्रोह बनता है, तिरंगे झंडे का अपमान है, देश का अपमान है, ये देशद्रोह है। और ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई आदमी छोटी छोटी बातों पे देशद्रोह का केस लगाते हैं, ऐसे लोग जो देश के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ बोलते हैं, ये कितना बड़ा एक बहुत बड़ा अपमान है। तो निश्चित तौर पर आज हम लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं, और इसी का विरोध करने के लिए आज हमने ये दिन चुना है कि इतना बड़ा देश के साथ गद्दारी और साजिश करने वाला ये समाज है, ये दल है, ये पार्टी है,
ये देश की एक मनुवादी सिस्टम है और इसको उखाड़ फेंकने के लिए तमाम 85% वर्ग जो एकत्रित होता जा रहा है और देश को बचाने के लिए आखिरी बूंद तक अपने आखिरी सांस तक भी लड़ाई लड़ेंगे इसी के लिए। कैसे देख रहे हो सर? देखिए, इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि जो तिरंगे की जगह आरएसएस के भगवा झंडे को लाए जाने की बात हो रही है, तिरंगा झंडे को हटाने का मतलब है अशोक चक्र को हटाना। अशोक चक्र का मतलब है समता, समानता, जो कि है ना सबको मिली हुई है, और भगवा झंडे का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सीधी मनुस्मृति के ऊपर है ना बनी हुई है, जिसमें कोई जगह नहीं होगी ना क्रिश्चियंस के लिए, ना सिखों के लिए, ना मुस्लिम्स के लिए, ना ओबीसी, ना दलित के लिए, चाहे वो फिर ओबीसी में गुजर समाज हो, जाट समाज हो, सैनी समाज हो, यादव समाज हो, शाक्य हो, कुशवा हो, कोरी हो, कोली हो, मल्ला हो, किसी को समानता नहीं मिलेगी। और जो अपर कास्ट वर्ग की महिलाएं हैं उनका भी शोषण किया जाएगा, पढ़ाई से वंचित किया जाएगा। इसीलिए एजुकेशन के ऊपर आप देख रहे हो शिक्षा नीति को है ना धीरे धीरे ये नीचे लाते जा रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान को बंद करते जा रहे हैं, तो उसी के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। दूसरा मेरा यह कहना है कि आप तिरंगे की तरफ उंगली उठाने वाले एक जो आपका भाजपा का कैबिनेट मंत्री रहा है और वर्तमान में विधायक है, उसके ऊपर अगर आप राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा अगर आप दायर नहीं करते हो तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि आरएसएस और भाजपा के मन में तिरंगे के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यही बात अगर सोनिया गांधी कहती, इसे केजरीवाल कहते, मुलायम सिंह यादव कहते, उद्धव ठाकरे कहते, या एक्स वाई जेड कोई भी कहता, अब तक इन्होंने हिंदुत्ववादी संगठनों ने उसके ऊपर देशद्रोह का है ना मुकदमा लगा के उसे बंद कर दिया होता, बवाल मचा दिया होता। तो क्या तिरंगे के सम्मान के लिए देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए या नहीं, हम इसी को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। और इसके साथ हम प्रधानमंत्री से आपके इस मंच के जरिए उनसे ये आह्वान करते हैं, ये मांग करते हैं कि अगर उनके दिल में सम्मान है तिरंगे के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिल में भी तिरंगे के प्रति सम्मान है और आरएसएस के श्री मोहन भागवत के दिल में भी अगर तिरंगे के लिए सम्मान है, तो वो आरएसएस मुख्यालय पे जो 100 साल होने वाले आज तक तिरंगा नहीं लहराया गया, तिरंगा लहराएं। अब है तो फिर लहराएं और कहें कि है ना तिरंगा कल भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, आज भी है और कल भी रहेगा। जूता चप्पल और मिठाई, विश्वरप्पा की क्या है दवाई? जूता चप्पल और मिठाई। तो मर गया कुत्ता, हाय हाय, मर गया कुत्ता, हाय हाय, सोपा बत्रे, हाय हाय, मर गया सोपा, हाय हाय, पीटो ताली, हाय हाय, दे दो गाली, हाय हाय, मां कमीना, हाय हाय, मां कुत्ता, हाय हाय, मां कमीना, हाय हाय, मां हरामी, हाय हाय, पीटो ताली, हाय हाय, दे दो गाली, हाय हाय, मर गया सुअर, हाय हाय, मर गया सोपा, हाय हाय, मर गया कुत्ता, हाय।